तो देखो यार, इस धोखेबाज भरी ज़िंदगी में हमें हर मोड़ पर जो है कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो भाई हमें मुंह पर तो अच्छा बोल रहे थे लेकिन पीठ पीछे जो है हमें धोखा दे रहा होता है। ऐसे लोगों से तो आप जो है अनब्लॉक होने की भाई आस छोड़ ही दो। ऐसे लोग आपको अनब्लॉक भी कर देते उसके बावजूद भी जो है आपसे काम निकालने के बाद आपको फिर ब्लॉक कर देंगे, तो फिर ऐसे लोगों का तो ब्लॉक ही रहना ठीक है। हाँ, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे अपने ट्रू फ्रेंड्स, हमारे अपने चाहने वाले, जो हमें छोटी छोटी बात पर, गलतियों पर ब्लॉक करते उसके बावजूद भी जो है वो हमें अनब्लॉक कर सकते हैं। कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, कौन सी वो ट्रिक है जिसकी मदद से आपका अपना चाहने वाला करीब भी आपको ब्लॉक कर देता है, वो जो है तुरंत आपको अनब्लॉक करेगा। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सब कुछ जो है क्लियर करके बता देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, मैंने अपना व्हाट्सअप ओपन कर रखा और इस कॉन्टैक्ट ने जो है मुझे व्हाट्सअप पर ब्लॉक कर रखा है। तो भाई अब मैं इससे अनब्लॉक कैसे होऊंगा, ठीक है? अब अनब्लॉक होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इस कॉन्टैक्ट ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, या देखिए मैं कुछ भी मैसेज करता हूँ तो यहाँ से सेंड होता ही नहीं है, ठीक है ना गाइस? इतना क्लियर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अब जो है इससे अनब्लॉक हो जाऊँगा। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्रोफाइल वाला आइकन है वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से उस पर्सन का जो है फ़ोन नंबर कॉपी कर लेना, लिखा हुआ है फ़ोन नंबर कॉपीड, नंबर कॉपी कर लिया। अब आपको होम पेज पर आ जाना है। देन अब आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में जो है एक मैसेजिंग का एप्लीकेशन होता है, हर फ़ोन में होता है, नीचे में सबसे कॉर्नर पर मैसेजिंग का, जहाँ हमें टेक्स्ट मैसेज रिसीव होते हैं और हम किसी भी तरह के कोई भी मैसेज आते हैं वो एप्लीकेशन को जो है हमें ओपन कर लेना है, ठीक है? ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में कहीं पर भी हो सकता है प्लस वाला आइकन, और आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिसिपिएंट का, तो वहाँ पर जो है क्लिक करना है और उस पर्सन का जो नंबर हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है? इतना हो गया गाइस। अब आती है सबसे ज़रूरी बात। तो आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में क्या लिखना है गाइस, यहाँ पर कैपिटल लेटर में RQ रिक्वेस्ट अनब्लॉक ऑन व्हाट्सएप। क्या लिखा हुआ गाइज मैंने, ध्यान से पढ़िए गाइज, रिक्वेस्ट अ अनब्लॉक ऑन व्हाट्सएप, इस तरह से जो है आपको टाइप करके सेंड कर देना है। गाइज सेंड कर दिया तो आपको क्या करेगा भाई, ये जो बंदा है जिसने आपको ब्लॉक किया है वो आपको 101% व्हाट्सएप पर अनब्लॉक करेगा। इस यही ट्रिक थी, मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप जो है व्हाट्सएप पर किस तरह से खुद को अनब्लॉक कर सकते हो गाइज, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से वीडियोज़ में ग्रुप बनाने के लिए कहा जाता है व्हाट्सएप पर, ग्रुप बनाओ अपने फ्रेंड को बोल के। लेकिन गाइज वो ग्रुप में क्या है, कभी कभार प्राइवेसी में होने के कारण से जो है हमें किसी को ऐड नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इसीलिए ये जो ट्रिक है ये 101% रियल ट्रिक है गाइज। इसमें जो है आपके अनब्लॉक होने के चांसेस 99.9% बढ़ जाते हैं। तो गाइज यही जानकारी मैंने आप लोग बता दी है। भाई मेरे इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।